जबलपुर की ओमेती पुलिस ने आईपीएल फाइनल मैच से पहले सटोरियों पर बड़ी कार्यवाही की है। मुस्कान हाइट्स पर शनिवार को दोपहर छापेमार कार्यवाही कर करीब 70 लाख कैश जब्त किया है। इसके साथ ही अनेक बैंक पासबुक और मोबाइल मिले हैं। इंदर सिंह और आकाश गोगिया बड़े स्तर पर आईपीएल का सट्टा संचालित कर रहे थे, जिनके तार सतीश सनपाल से जुड़े हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से छानबीन करने में जुटी है। जानकारी के अनुसार पुलिस आईपीएल सट्टा किंग सतीश सनपाल की पड़ताल में जुटी है, जिसके चलते पुलिस को सूचना मिली थी कि उमेती अंतर्गत मुस्कान हाइट्स में इंदर सिंह अपने घर में आकाश गोगिया के साथ मिलकर सट्टा संचालित कर रहा था, जिसके बाद पुलिस की मुस्तैद टीम ने छापेमार कार्यवाही कर दोनों को दबोच लिया। जबलपुर पुलिस को आज अवैध सट्टे के कारोबार में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय को एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि आकाश गोगा और अजीत गोगा, ये दोनों सगे भाई हैं, ये मुस्कान हाइट्स के फ्लैट नंबर 605 में रहते हैं और वहाँ पर ये ओपन वेब पर लिंक लेकर अवैध रूप से आईपीएल सट्टे का खिलाते हैं और कारोबार करते हैं। ये इनके पास अवैध सट्टे की राशि, जो लेन देन की राशि होती है, चुकारे की राशि होती है, वो काफ़ी है इनके पास में, और यदि तत्काल दबिश दी जाए तो काफ़ी भारी राशि इनसे जब्त हो सकती है। इसी तरह इंद्रजीत सिंह जो कार बाजार में व्यवसाय करते हैं, उनके द्वारा भी लिंक लेकर अवैध रूप से सट्टे का कारोबार कराया जा रहा है। ये एक सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक ओमती श्री आर डी भारद्वाज के नेतृत्व में और इसके साथ ही साथ नगर निरीक्षक श्री बघेल, नगर निरीक्षक ओमती श्री बघेल और उनके स्टाफ के द्वारा आज फ्लैट नंबर 605 और 604 दोनों पर ही दबिश दी गई। दबिश देने पर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उनके द्वारा जो अवैध जो राशि थी सट्टे खिलाने की, चुकारे की राशि, वो उन्होंने घर पर छिपा कर रखा था, वो जब्त किया गया है। इसमें इसके साथ ही साथ गोगा, अजीत गोगा से एक नोट गिनने की मशीन भी जब्त हुई है। कुल मिलाकर जो राशि बरामद हुई है इंद्रजीत सिंह की से जो है 38 लाख रुपए जब्त हुए हैं और टोटल जो उसका जो घर है, घर पर भी वो सट्टे की राशि कुछ छिपा कर रखा हुआ था, करीब 9,50,000 रुपये। इस तरह कुल 47,50,000 रुपये, 47,50,000 रुपये इंद्रजीत सिंह से जब्त हुए हैं और गोगा से, आकाश गोगा और अजीत गोगा इनसे 23,15,000 रुपये जब्त हुए हैं। साथ ही नोट गिनने की मशीन भी जब्त हुई है। इस तरह कुल 70 लाख की राशि, 70 लाख रुपए, 70,65,000 रुपए की राशि इन दोनों ही अभियान में, दोनों ही दबिश में जब्त हुई है। यह जबलपुर पुलिस के द्वारा की गई एक बड़ी कार्रवाई है और इसमें हमारे ओमती के नगर निरीक्षक श्री एसपी बघेल और उनका स्टाफ, इसके साथ ही साथ ओमती के नगर पुलिस अधीक्षक श्री आर डी भारद्वाज, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इन सभी अधिकारियों को उचित रूप से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई। इसके साथ ही साथ कंट्रोल रूम में हमारे रविंद्र सिंह जो कंट्रोल रूम प्रभारी हैं, उनकी भी इस दबिश में अहम भूमिका रही है। यह दबिश, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी साथ में लेकर की गई थी, वो भी इसमें अपने स्तर से इसमें जाँच कर रहे हैं। अब इसमें इसका एक बिंदु, जो ये अवैध रूप से सट्टा किससे लिंक लेकर खिला रहे थे, ये हम पूछताछ कर रहे हैं और आगे अनुसंधान में और भी बातों का खुलासा हो सकेगा। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, जबलपुर।